नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है वर्कशॉप, और ये नर्सिंग एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्कशॉप। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। अकॉर्डिंग टू बसवंत थापा, जो जिन्होंने की इसकी डेफिनेशन दी है, वो किस तरह से दी है, वर्कशॉप इज़ डिफाइंड एज असेंबल्ड ग्रुप। बस वर्कशॉप क्या है, एक असेंबल्ड मतलब एक ग्रुप है जो कि आपस में मिला हुआ है या इकट्ठा होता है, जो 10 to 25 persons, और इस ग्रुप में 10 से लेके 25 persons हो सकते हैं, वो शेयर ए कॉमन इंटरेस्ट और प्रॉब्लम, जो कि शेयर करते हैं एक कॉमन इंटरेस्ट। कोई भी एक कॉमन प्रॉब्लम दे दी जाती है, एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, उनको वो आपस में शेयर करते हैं। दे मीट टुगेदर टू इम्प्रूव देयर इंडिविजुअल स्किल्स ऑफ ए सब्जेक्ट। वो क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, जिससे कि एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसकी, उनके हर इंडिविजुअल में उसकी स्किल्स डेवलप हो सके और इम्प्रूव हो सके, थ्रू इंटेंसिव स्टडी, रिसर्च एंड डिस्कशन। इसके लिए क्या करते हैं, वो इंटेंसिव स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं, और इस तरह से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अपनी जो इंडिविजुअल स्किल्स है वो उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। तो यही होता है वर्कशॉप। एक बार डेफिनेशन वापस से पढ़ते हैं। वर्कशॉप इज़ डिफाइंड एज असेंबल्ड ग्रुप 10 to 25 persons हु शेयर ए कॉमन इंटरेस्ट और प्रॉब्लम। दे मीट टुगेदर टू इम्प्रूव देयर इंडिविजुअल स्किल्स ऑफ ए सब्जेक्ट थ्रू इंटेंसिव स्टडी, रिसर्च एंड डिस्कशन। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। अब जो वर्कशॉप अरेंज हो रही है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो पहला है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव मीन्स रिलेटेड टू थॉट, थिंकिंग। आइडेंटिफाई द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है, प्रेजेंट जो संदर्भ है, उसमें आइडेंटिफाई करना किसको, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को। दूसरा है साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, मीन्स स्किल डेवलपमेंट, टू डेवलप स्किल्स टू परफॉर्म ए टास्क इंडिपेंडेंटली। ऐसी स्किल डेवलप करना जिससे हम किसी भी टास्क को, जो भी हमें दिया जा रहा है, उसको इंडिपेंडेंटली मतलब खुद ही उसको परफॉर्म कर सकें खुद के बल पे। टू डिटरमाइन एंड यूज़ ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज इफ़ेक्टिवली, और हम क्या कर सकें कि डिटरमाइन कर सकें कि कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी हम काम में लेंगे, और यूज़ कर सकें जो भी टीचिंग स्ट्रेटजी है उसको इफ़ेक्टिवली, प्रभावी तरीके से हम उसको यूज़ कर सकें। तो इस तरह से साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव में आ गया डेवलप स्किल और टू डिटरमाइन एंड यूज़ ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी इफेक्टिवली। तीसरा है इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये है एटीट्यूड डेवलपमेंट से संबंधित, टू डेवलप प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिसिपेंट एंड रिसोर्स पर्सन। जो भी रिसोर्स पर्सन है या जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्कशॉप में, उनके साथ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाना, ये हमारा होता है इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वर्कशॉप के, वो हैं कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव एंड इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो कॉग्निटिव में तो जो आइडेंटिफाई करना एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, साइकोमोटर में स्किल डेवलपमेंट, और इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव में एटीट्यूड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है पर्पज़ ऑफ वर्कशॉप। वर्कशॉप के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, टू ब्रेक डाउन द बैरियर्स बिटवीन टीचर्स। टीचर्स के बीच में जो आपस में बैरियर्स हैं उनको ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि वो आपस में असेंबल होते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। टू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, इससे क्या होता है, पर्सनल ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। थर्ड वन है अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम फोकस की गई है उस पर वर्क करने की अपॉर्चुनिटी इसमें हमें मिलती है, क्योंकि वर्कशॉप में स्पेशली उसी प्रॉब्लम को ध्यान में रख के लोग, जो भी ग्रुप है वो असेंबल होता है, और उसी के ऊपर ही इंटेंस स्टडी की जाती है और उसी पे डिस्कशन किया जाता है। वी लर्न न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स, इससे हमें क्या पता चलता है, क्या क्या नई मेथड्स हैं, क्या क्या नई टेक्निक्स हैं उनके बारे में। प्लेस टीचर इन ए पोजिशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इससे क्या है, टीचर्स में रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक पोजीशन आता है कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं।
इवेल्यूएट दे टीचर्स ऑन एफर्ट, अपने खुद के एफर्ट को वो इवेल्यूएट कर पाते हैं एंड इम्प्रूव देयर ऑन मोरल, उनका जो खुद का मोरल है उस वो इम्प्रूव हो पाता है इससे। तो ये हो गए पर्पज़ ऑफ वर्कशॉप। पहला है टू ब्रेक डाउन द बैरियर बिटवीन टीचर्स, टू गिव अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम, वी लर्न न्यू मैथड्स एंड टेक्निक्स, प्लेस टीचर इन ए पोजिशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इवेल्युएट देयर टीचर ऑन एफर्ट एंड इम्प्रूव देयर ऑन मॉरल। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल, इसके क्या सिद्धांत होते हैं किसके वर्कशॉप के। तो पहला है शुड फोकस ऑन द करंट इशू इन द प्रोफेशन। यदि हमें वर्कशॉप अरेंज करनी है तो जो करंट इशू चल रहे हैं, जैसे कि अभी चल रहा है टेली मेडिसिन, टेली नर्सिंग, या जो भी नर्सिंग से रिलेटेड न्यू कोर्सेज हैं, तो न्यू जो ट्रेंड चल रहे हैं, करंट जो इश्यूज चल रहे हैं, उन पर होनी चाहिए वर्कशॉप। कंडक्टेड विथ फुल कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह से इसको कंडक्ट करना चाहिए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्कशॉप कंडक्ट करा रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉपरली कोऑपरेशन हो, आपस में सहयोग की भावना हो। गिविंग द पार्टिसिपेंट एन एक्टिव रोल, और जो भी इसके पार्टिसिपेंट हैं, जो भी इसमें भाग ले रहे हैं, उन सभी को एक्टिव रोल दिया जाए इसमें। एवरी इंडिविजुअल हैज़ वर्थ एंड कंट्रीब्यूशन, हर व्यक्ति की एक वर्थ होनी चाहिए, उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसकी कुछ वर्थ है और उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें ज़रूर होना चाहिए। तो ये हो गए प्रिंसिपल ऑफ वर्कशॉप। पहला शुड फोकस ऑन द करंट इशू इन प्रोफेशन, कंडक्टेड विद फुल कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गिविंग द पार्टिसिपेंट एन एक्टिव रोल, एवरी इंडिविजुअल हैज़ वर्थ एंड कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, स्कोप ऑफ वर्कशॉप टेक्निक्स, क्या क्या वर्कशॉप जो टेक्निक है उनके स्कोप क्या क्या हैं। पहला है एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर क्लासरूम प्रॉब्लम्स, न्यू फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान, ये हो सकता है इसका स्कोप कि लेसन प्लान का हम न्यू फॉर्मेट बनाएं, प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और मॉडल, कोई इस तरह के इंस्ट्रक्शन के मॉडल बनाएं या मटेरियल बनाएं जो कि इफ़ेक्टिव हो, प्रिपेयरिंग रिसर्च सिंपोजियम प्रपोजल एंड फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन में भी यूज कर सकें। तो इसकी इसके स्कोप हो गए वर्कशॉप टेक्निक के, एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर क्लासरूम प्रॉब्लम्स, न्यू फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान, प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शन मटेरियल और मॉडल, प्रिपेयरिंग रिसर्च सिनॉप्सिस प्रपोजल फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब नेक्स्ट आता है प्लानिंग फॉर ए वर्कशॉप, हम प्लान कर रहे हैं वर्कशॉप तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहला होगा सेलेक्शन ऑफ ए थीम, हर एक वर्कशॉप की थीम होती है तो वो हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है। इसे मस्ट बी बेस्ड ऑन प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जो हमारी प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उस पर बेस होनी चाहिए ये। मस्ट बी यूज़फुल फॉर इन सर्विस वर्कर्स, और जो इन सर्विस वर्कर हैं उनके लिए यूज़फुल होनी चाहिए। टू मोटिवेट इंटरेस्ट, इस तरह की थीम होनी चाहिए जिससे कि इंटरेस्ट मोटिवेट कर सकें हम। नेक्स्ट आता है थीम सिलेक्शन के बाद में ओपन ए फाइल, ओपन ए फाइल में बजट देखेंगे, वर्कशॉप साइट देखेंगे, सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट, कौन कौन से पार्टिसिपेंट होंगे उसमें, डॉक्यूमेंटेशन, इक्विपमेंट चेकलिस्ट होगी कि क्या क्या इक्विपमेंट होंगे, फिर जो जो हम इक्विपमेंट उसमें रखेंगे उसको चेक करते जाएंगे कि ये है ये है ये है या ये नहीं है, इस तरह से चेकलिस्ट होगी उसकी। पब्लिसिटी होगी, प्रेस में जाएगी वो चीज़, और उसके बाद इवेल्यूशन पे हम उसके फोकस करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें ओपन ए फाइल में रखनी होंगी, बजट, वर्कशॉप साइट, सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट, डॉक्यूमेंटेशन, इक्विपमेंट चेकलिस्ट, पब्लिसिटी, प्रेस एंड इवेल्यूशन। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ ए रिसोर्स पर्सन, तो सिलेक्शन ऑफ रिसोर्स पर्सन में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज, ये क्या करेगा वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करेगा, प्रोवाइड थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द थीम, ये क्या करेगा थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताएगा थीम में, प्रोवाइड गाइडेंस टू पार्टिसिपेंट एंड एवरी स्टेज, जो भी वर्कशॉप की स्टेजेस हैं
उनमें ये पार्टिसिपेंट को गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा एंड सुपरवाइज और कंट्रोल, और वर्कशॉप को सुपरवाइज करेगा और कंट्रोल करेगा। तो इसमें हमारा आएगा सेलेक्शन ऑफ ए रिसोर्स पर्सन में कि ऑर्गेनाइज ए वर्कशॉप, प्रोवाइड थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द थीम, प्रोवाइड गाइडेंस टू पार्टिसिपेंट एंड एवरी स्टेज एंड सुपरवाइज एंड कंट्रोल। नेक्स्ट आता है सेलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो सेलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स कैसे करेंगे हम, क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द पार्टिसिपेंट। सबसे पहले हम क्राइटेरिया फिक्स करेंगे कि किस तरह के पार्टिसिपेंट हमको लेने हैं। टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स होमोजीनस, मतलब कि जो एक ही प्रोफेशन है उससे रिलेटेड ही हम उसमें पार्टिसिपेंट लेंगे। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है एट मैनियस 35 पार्टिसिपेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 35 हम रख सकते हैं। सेलेक्ट द पार्टिसिपेंट बिफोर 60 डेज ऑफ वर्कशॉप, जब हम वर्कशॉप अरेंज करेंगे या रखेंगे उसके 60 दिन पहले हमें ये कंफर्म करना है कि पार्टिसिपेंट कौन से होंगे। 45 डेज बिफोर कंफर्म द पार्टिसिपेंट्स, और जो पार्टिसिपेंट्स हम कंफर्म करेंगे वो 45 डेज पहले बिल्कुल कंफर्म होने ही चाहिए। सेलेक्शन ऑफ डेट्स फॉर वर्कशॉप, क्या डेट होगी ये सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्शन ऑफ द प्लेस फॉर वर्कशॉप, प्लेस कौन सा रखेंगे हम वर्कशॉप के लिए ये डिसाइड करेंगे। सेलेक्शन ऑफ लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में होगी। सेलेक्शन ऑफ कमिटीज, इसमें हम रखेंगे ऑर्गेनाइजर कमिटी, असिस्टेंट ऑर्गेनाइजर कमिटी जो कि ऑर्गेनाइज कमिटी की असिस्टेंट होगी, स्पॉन्सर कमिटी स्पॉन्सर करेगी जो कि वर्कशॉप को, और वॉलंटियर कमिटी। तो इस तरह से ये सेलेक्शन ऑफ कमिटी हो गया। नेक्स्ट आएगा बजट फॉर वर्कशॉप, इसके लिए फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू टी प्लस एस ब्रैकेट में एंड एन मल्टीप्लाई बाय 1.25। तो ये इसका फॉर्मूला है जिसमें ई फोर है एस्टिमेट, टी फोर है कॉस्ट ऑफ रिटर्न ट्रेवल, एस फोर है लिविंग एक्सपेंसेस एंड इसमें एकोमोडेशन और फूड आ जाते हैं, और एन फोर है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो इस तरह से बजट फॉर वर्कशॉप का फॉर्मूला ई इज इक्वल टू टी प्लस एस ब्रैकेट में एन मल्टीप्लाई बाय 1.25, जिसमें ई फोर एस्टिमेट, टी फोर कॉस्ट ऑफ रिटर्न ट्रेवल, एस फोर लिविंग एक्सपेंसेस एंड एन फोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट आता है इन्विटेशन ऑफ पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट हैं उनको इन्विटेशन देना। प्रिपेयरिंग वर्कशॉप पैम्पलेट्स एंड बुकलेट्स, जो भी वर्कशॉप से रिलेटेड पैम्पलेट्स हैं और बुकलेट हैं उनको प्रिपेयर करना। तो इस तरह से सेलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स में आ गया टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, सेलेक्ट द पार्टिसिपेंट बिफोर 60 डेज ऑफ वर्कर एंड 45 डेज बिफोर कंफर्म द पार्टिसिपेंट, सेलेक्शन ऑफ डेट फॉर वर्कशॉप, सेलेक्शन ऑफ द प्लेस फॉर वर्कशॉप, सेलेक्शन ऑफ लैंग्वेज, सेलेक्शन ऑफ कमिटीज जिसमें आती हैं ऑर्गेनाइजर कमिटी, असिस्टेंट ऑर्गेनाइजर कमिटी, स्पॉन्सर कमिटी, वॉलंटियर कमिटी, बजट फॉर वर्कशॉप एंड इन्विटेशन ऑफ पार्टिसिपेंट एंड प्रिपेयरिंग वर्कशॉप पैम्पलेट्स एंड बुकलेट्स। नेक्स्ट आता है इमीडिएट प्रिपरेशन फॉर वर्कशॉप, यदि इमीडिएटली हमें अचानक से हमें करनी है वर्कशॉप की तैयारी जैसे कि 2 या 3 दिन पहले, तो वो हम कैसे करेंगे। रिव्यू द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड रिसोर्स पर्सन, रिव्यू करेंगे कि हमें पार्टिसिपेंट कौन से रखने हैं, रिसोर्स पर्सन कौन सा रखना है। अरेंजमेंट ऑफ रूम, रूम का अरेंज करना। अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ एंड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट चेकलिस्ट रखेंगे, नोटपैड, पेंसिल एंड शार्पनर, ओएचपी, ब्लैकबोर्ड फोर, क्लिप चार्ट्स और जो फ्लिप चार्ट्स हम यूज़ करेंगे उनके लिए, अरेंजिंग फॉर प्रेस रिलेशंस एंड टाइम टेबल फॉर वर्कशॉप, टाइम टेबल रखेंगे वर्कशॉप का। तो ये आ जाएगा इमीडिएट जो प्रिपरेशन है ऑफ वर्कशॉप की, पहला रिव्यू द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड रिसोर्स पर्सन, अरेंजमेंट ऑफ रूम, अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ एंड इक्विपमेंट एंड अरेंजिंग फॉर प्रेस रिलेशन एंड टाइम टेबल ऑफ वर्कशॉप। नेक्स्ट आता है रोल इन वर्कशॉप टेक्निक, वर्कशॉप टेक्निक का रोल क्या है। ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द वर्कशॉप्स
जो होते हैं वर्कशॉप के ऑर्गेनाइज़र वो कौन हो सकते हैं, जैसे कि NCERT है, DGHS है, स्पॉन्सर्स वर्कशॉप या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कन्वीनर और चेयरमैन इन द फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज में इनका रोल होता है चेयरमैन का, एक्सपर्ट्स और रिसोर्स पर्सन का रोल होता है। इसमें पूरे जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि रोल किन किन का होता है वर्कशॉप टेक्निक्स में। तो रोल ऑफ पार्टिसिपेंट्स का रोल होता है, तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़र का, चेयरमैन का फर्स्ट स्टेज में, एक्सपर्ट और रिसोर्स पर्सन का, और पार्टिसिपेंट और ट्रेनीज का। नेक्स्ट आते हैं स्टेजेस इन कंडक्टिंग वर्कशॉप। वर्कशॉप कंडक्ट करने में क्या क्या स्टेजेस हैं, तो पहला है जनरली वर्कशॉप आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर 3 to 10 days ड्यूरेशन, 3 से 10 दिन के लिए ये ऑर्गेनाइज की जाती हैं जनरली, और इसमें 4 stages होती हैं वर्कशॉप में। पहली स्टेजेस है, इसमें होता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट इनॉग्रेशन, चीफ गेस्ट विद लाइट लाइटिंग द लैम्प, गेस्ट स्पीच होती है। प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्टरी सेशन होता है जिसमें कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है। प्री टेस्ट होता है कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, पहले से देखा जाता है कि क्या क्या लोग आप जानते हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर ब्रेक होता है जिसमें टी और लंच शामिल होता है। प्रेजेंटेशन ऑफ द थीम और प्रोवाइडिंग अवेयरनेस, पेपर रीडिंग होती है इसमें कि जिससे कि थीम की पता लगे कि किस थीम पे ये है वर्कशॉप। तो फर्स्ट स्टेज में हो गया रजिस्ट्रेशन, इनॉग्रेशन, प्रीलिमिनरी इंट्रोडक्टरी सेशन, प्री टेस्ट, ब्रेक एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द थीम और प्रोवाइडिंग अवेयरनेस। नेक्स्ट आता है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप, ग्रुप बनता है, असाइनमेंट सेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज होती हैं इसमें, गाइडेंस एंड सुपरविजन होती है, क्लैरिफाइंग सेशन होता है जिसमें क्लैरिफाई किए जाते हैं डाउट, ग्रुप डिस्कशन होता है आपस में, एंड प्रीव्यू ऑफ द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे का जो आगे होगा उसका प्रीव्यू होता है। तो ये हो गया सेकेंड स्टेज, इसमें फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप, असाइनमेंट सेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, गाइडेंस एंड सुपरविजन, क्लैरिफाइंग सेशन, ग्रुप डिस्कशन एंड प्रीव्यू ऑफ द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट आती है थर्ड स्टेज में प्रेजेंटेशन होगा, इवेल्यूएशन, पोस्ट टेस्ट होगा कि वर्कशॉप के बाद में जो जानकारियाँ दी गई हैं उसके बाद में जो टेस्ट लेते हैं उसमें क्या इवेल्यूएट करते हैं, कितना पार्टिसिपेंट को समझ में आता है। ओपन सजेशन होते हैं उसके बाद, एक्सपर्ट का सजेशन होता है, एंड वैलिडेशन, प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेट्स टू जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनको या एक्सपर्ट्स हैं उनको, सबको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। वोट ऑफ थैंक्स दिया जाता है बाय ऑर्गेनाइज़र, जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके द्वारा वोट ऑफ थैंक्स दिया जाता है, और जो भी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये हो गया थर्ड स्टेज में प्रेजेंटेशन, इवेल्यूएशन में पोस्ट टेस्ट, ओपन सजेशन, एक्सपर्ट सजेशन एंड वैलिडेशन। नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, पार्टिसिपेंट डू देयर वर्क, पार्टिसिपेंट जो हैं वो अपना काम करते हैं इसमें। ऑर्गेनाइजर पार्ट होता है, लेटर ऑफ थैंक्स एंड रिपोर्ट ऑफ द वर्कशॉप एंड फॉलो अप करना। नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ वर्कशॉप, वर्कशॉप का लाभ क्या है, तो इसके लाभ में आएगा यूज टू रियलाइज द हायर कॉग्निशन एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, इसमें रियलाइज होते हैं जो कॉग्निटिव हैं और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो, फॉर डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोफिशियंसी फॉर द अप्रोचेज एंड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन, क्या क्या हम अप्रोच यूज कर सकते हैं एजुकेशन में, प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिसेस हैं एजुकेशन की उनमें उनकी अंडरस्टैंडिंग करना और उनकी प्रोफिशियंसी उसमें अच्छी दक्षता हासिल करने के लिए, डेवलपिंग प्रोफेशनल एफिशिएंसी जैसे कि नर्सिंग में एफिशिएंसी और ज़्यादा इफेक्टिव नर्सिंग केयर देने के लिए, डेवलप इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ टीचर, जो टीचर हैं उनकी इंडिविजुअली कैपेसिटी डेवलप हो। नेक्स्ट डेवलप फीलिंग ऑफ कॉपरेशन, आपस में कॉपरेशन की फीलिंग डेवलप करने के लिए, प्रोवाइड द सिचुएशन टू स्टडी प्रॉब्लम्स, ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करना जिससे कि क्या हो, स्टडी प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम आ रही है स्टडी में उनको सॉल्व किया जा सके।
नेक्स्ट आता है लिमिटेशन, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं इसकी। तो इन सर्विस टीचर में नो टेक इंटरेस्ट, जो इन सर्विस में हैं टीचर्स वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज टू लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स, बहुत बड़ा ग्रुप नहीं ले सकते हैं इसमें। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ वर्कशॉप टेक्निक्स डिपेंड ऑन द फॉलो अप प्रोग्राम, इसके बाद में जो फॉलो अप प्रोग्राम क्या होंगे उस पर इसकी इफ़ेक्टिवनेस निर्भर करेगी। तो ये इसकी लिमिटेशंस होती हैं वर्कशॉप की। इन सर्विस टीचर मे नॉट टेक इंटरेस्ट, कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज टू लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वर्कशॉप टेक्निक्स डिपेंड्स ऑन द फॉलो अप प्रोग्राम्स। तो आज का हमारा टॉपिक था वर्कशॉप, और ये नर्सिंग एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, 10 से 25% या कह सकते हैं अप टू 35% तक इसमें असेंबल होके एक कॉमन जो प्रॉब्लम है उस पर डिस्कशन करते हैं, उन पर स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, और इससे उनकी इंडिविजुअल स्किल्स उस सब्जेक्ट के प्रति इम्प्रूव होती है। तो यदि ये टॉपिक और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को